प्रजाति, और वो हिरन को सतत 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 कंटिन्यू स्मेल आती है, सुगंध 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 सुगंध, इतनी बढ़िया सुगंध आती है, इतनी बढ़िया सुगंध आती है, हिरन दौड़ता है कि ये सुगंध आती कहां से, देखू तो सही, खोजू तो सही, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, इतना भागता है, सुबह से शाम तक भागता है, थक जाता है, हार जाता है, एक बार नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है ये सुगंध आ कहां से रही है, सुगंध को पानी है, सुगंध चाहिए भी, लेकिन वो आती कहां से वो पता नहीं है। इस मूर्ख हिरन को कौन समझावे, सुगंध कहीं बाहर से नहीं, तेरे शरीर के अंदर जो नाभि है उस नाभि के अंदर क्या रही हुई है, कस्तूरी रही है, और सुगंध कहां से आ रही है, वो कस्तूरी की उस नाभि की शरीर के अंदर से आ रही, अपनी हालत भी उस हिरन के जैसी, सुख को पाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, सुकून को पाने के लिए आप लोग हिल स्टेशन पर जाते हो, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए आप लोग रिसोर्ट में जाते हो, आप समझ लेते हो कि थोड़ा सा पिक्चर देखकर के आएंगे, टॉकीज के अंदर चले जाएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी आदतें ये हिरन का भागने के जैसी, दौड़ने के जैसी, वो टेम्पररी घंटा दो घंटा चार घंटे का एक दिन का रिलैक्स मिलता है, वापस दूसरे दिन तीसरे दिन से जैसे थे वैसी परिस्थिति आ जाती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। सतत 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 जियो, टेंशन के अंदर जीने वाला, बोद्रेशन के अंदर जीने वाला, अशांति के अंदर जीने वाला, डिप्रेशन के अंदर जीने वाले जीव को जो आत्मिक शांति चाहिए, परमानेंट सुखी बनना है, कायम के लिए अपना दिमाग सेटअप हो जावे, ऐसी जो कोई प्रक्रिया है तो मेरे महावीर ने शास्त्रकार ने आगम के अंदर बता दे, ध्यान की शरण के अंदर चले जाओ या मेडिटेशन की शरण के अंदर चले। मेडिटेशन से होगा क्या, मेडिटेशन करे तो सही लेकिन बनिया है ना, बनिया हमेशा क्या देखे, होगा क्या, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदो तो सही लेकिन ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, मैं यहां इन्वेस्टमेंट करूं तो सही लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, और ये सब थिंक आउट मेंटालिटी आप सबकी चलती रहे कि हम ध्यान तो करें लेकिन ध्यान करने से मिलेगा क्या, है ना, तो यहां वो भी बात बता दें, ध्यान करने से क्या मिलेगा ऐसा जो सोचते हैं उसको मुझे खाली ऐसा कहना है कि ध्यान करने से क्या नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्नार्थ है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो ध्यान से आप पा न सको। योगी पुरुष योग साधना करके लब्धियों को प्रकट करते हैं, योगी पुरुष योग साधना करके अपनी काया को कंचनवान कर देते हैं, योगी पुरुष योग साधना करके आने वाली बीमारियों को तोड़ देते हैं, रोक देते हैं, दूर कर देते हैं, योगी पुरुष योग साधना से अपने वृद्धत्व की अवस्था को डिले पे डिले डिले पे डिले डिले पे डिले करते जाते हैं, योगी पुरुष योग साधना करके अपने मन को हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित रख पाते हैं, योगी पुरुष योग साधना करके एनी टाइम एंड एवरी टाइम 365 दिन मुस्कुराते जीवन जी सकते हैं, योगी पुरुष योग साधना करके फिजिकली भी हेल्दी और मेंटली भी हेल्दी रह सकते हैं, एक नहीं कितने कितने बेनिफिट्स बताने हैं, ये ध्यान के कितने फायदे आपको बोलने के लिए जाओ, ध्यान के फायदे के ऊपर जो किताब लिखनी हो तो 200 पेज की किताब भी कम पड़ जावे, इतने तो इस ध्यान के मेडिटेशन के बेनिफिट्स। लेकिन तकलीफ की बात यह है, सब कुछ पता होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी जीव जल्दी से इस मेडिटेशन की ओर जुड़ पाता नहीं है। मेडिटेशन से जुड़ने के लिए भी प्रबल पुण्याई चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, कारण की अनादि काल से जीव की गति जो बाहर की तरफ है ना, मौज मजा उसने बाहर के साधन में माने कि मेरे दो पांच दोस्त हो जाएंगे, उसके साथ घंटे दो घंटे रात को गप्पे लगा देंगे, थोड़ा सा मोबाइल के अंदर चैटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा ये कर लेंगे तो मजा आएगी। मजा को बाहर ही माना है, मजा अंदर से भी आती है, मजा यहां से भी आती है, वो आज तक खोपड़ी के अंदर बैठा नहीं, इसलिए जीव का मेडिटेशन की मैं करूं शुरुआत करूं उसके लिए पुरुषार्थ जो होता है ना वो अंदर से इच्छा नहीं जगती। लेकिन जिसको एक बार लगनी लग जाती, एक बार जिसको चस्का पड़ जावे, शुरू शुरू के अंदर कोई व्यक्ति
सिगरेट पीने वाला था? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप नहीं पीते होंगे ऐसा अनुमान में लगाता हूं। पर जो व्यक्ति शुरू शुरू के अंदर जिसने शुरुआत की होगी उस समय दोस्तों के फोर्स में आकर के, अरे यार कौन देखता है, मम्मी पापा को थोड़ी पता चलता है, पी लेना, और फ्रेंड सर्कल के साथ, पार्टी के साथ, कॉलेज के माहौल के साथ, ट्यूशन क्लास में जाने के बहाने, और इसी प्रकार से शुरुआत एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार, पंद्रह बार, पच्चीस बार, अब रूटीन हो गया, अब चेन स्मोकर हो गया, अब नहीं पिए तो चले, उसकी लत लग गई, उसकी आदत लग गई है। वो एक ऐसी लत आदत जिस दिन मेडिटेशन की लग जाएगी ना, जिस दिन ध्यान की लग जाएगी, उस दिन समझ लेना इंसान में से भगवान बनने की टिकट का रिजर्वेशन कराने के लाइन के अंदर आप खड़े हो गए। आत्मा से परमात्मा बनने की प्रोग्रेस की जो प्रक्रिया है वो स्टेप्स आपके शुरुआत हो चुकी। और जो व्यक्ति पालीताना दादा के दर्शन करने हैं, 3600 सीढ़ियां हैं, 2 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, 20 सीढ़ी, 50 सीढ़ी, 100 सीढ़ी चढ़ा है, भले धीरे धीरे चल रहा है लेकिन इतना तो नक्की है कि वो ऊपर तक, भले 2 घंटे लगेंगे कि 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे फिर पहुंचेगा तो नक्की हो जाता है कि जिसने चढ़ने की शुरुआत की है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, जिसने मेडिटेशन की शुरुआत कर दी है उसका भगवान बनना फाइनल हो जाता है। यानी आज प्रश्न उपस्थित होगा कि ये ध्यान करना तो है, आपने महाराज जी इतना सारा बताया ध्यान का बेनिफिट फायदा, अब मन में भावना जगी, करना तो है लेकिन करना तो करना कैसे, क्योंकि 200 कितनी प्रक्रियाएं हैं, 252 है, हम तो अंगूठा छाप है, हमको तो कुछ पता नहीं क्या करना, कैसे करना, किस तरह का करना। और यहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने इसकी भी रूपरेखा योग शास्त्र नाम के ग्रंथ के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज ने यह भी कर दी कि जो व्यक्ति नई नई शुरुआत करना चाहता, बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, गुजराती माँ कहवा नवो निसाड़ियो छे, सुन छे नवो निसाड़ियो, अभी अभी स्कूल के अंदर दाखिल हुआ है, तो उस व्यक्ति को मेडिटेशन के अंदर क्या कराना, कैसे कराना, कौन से लेवल का कराना। एक बात आपको कह दूं, ये मेडिटेशन करने से यहां बैठे हुए तमाम जीव जो स्टार्ट करे, और वो तमाम जीव जैसे जैसे ध्यान के अंदर रोज की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाओगे ना, अलग 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 अनुभव और अनुभूतियां होती जाएगी। मेडिटेशन करने बैठोगे और ठंडक का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा, ऐसा भी लगे मेडिटेशन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, कलरफुल अलग अलग वंडर्स की चीजें दिखने भी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन करते करते अलग अलग दिव्य ध्वनियां, दिव्य वाजिंद्र के नाद भी ये अनाहत नाद के अंदर बजने ही शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन करते करते भविष्य के होने वाली जो आपकी ग्रो की घटनाएं हैं उसके पहले से संकेत भी मिलते जाएंगे। मेडिटेशन करते 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 अंतस्फूर्णा ऐसी बढ़ती जावे कि आप जो बोलो आपका वचन सिद्ध हो जावे, कि जो होने वाला है रहे वही आपके जबान से निकले। न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां इस मेडिटेशन की है, इस ध्यान की है, लेकिन प्रश्न एक उपस्थित है कि इस उपलब्धियों की अंदर ही जो अटक जावे ना, इसी को जो सर्वस्व मान ले कि भाई मुझे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, उसको समझे, उसने मान लिया कि यही सब कुछ है, तो उसका जीवन का विकास वहीं अटक जावे। इससे भी ऊपर के स्टेप में आते 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 ऊपर बढ़ते जाना है, और वो दशा ऐसी आ जावे, ऐसी दशा हो भगवान, ये शरीर अलग लगने लगे, अपना आत्मा अलग लगने लगे, देह और आत्मा का डिस्टिंग्विश तफावत जिस दिन पैदा हो जाए उस दिन समझना अपना काम हो गया। मुझे याद आते हैं अरविंदो आश्रम के कौन, रमण महर्षि, ध्यान के अंदर ऐसे बैठे, समाधि ऐसी लग गए, 17 दिन तक बैठे रहे, 24 घंटे 17 दिन न खाना न पीना न उठना न बैठना न सोना न जागृत अवस्था, और समाधि ऐसे लीन हो गए, शरीर को पूरा कीड़ों ने, पैर को, पूरी जांग को कीड़ों ने खा लिया है, खून और मांस निकलने लगा है, फिर भी पता चलता नहीं है, आत्मा की आंतरिक आनंद की अनुभूतियां की दशाएं शुरू हो गई।
एक हमारे साध्वी जी हैं वसंत प्रभाश्री जी, और वो वसंत प्रभाश्री जी जब जब रात रात भर ध्यान करें, रात को प्रतिक्रमण करके 8 बजे से उनका ध्यान शुरू हो जाए, कौशक शुरू हो जावे, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक उनका ध्यान चलता रहे, एक बार ऐसा हुआ चींटियों कोई वस्तु रह गई होगी और चींटियों ने उनके पैर के पूरे शरीर को 2000-3000 की संख्या के अंदर चींटियों ने पूरे उनके पैर को खलास कर दिया, लेकिन 4-5 घंटे के ध्यान की धारा से डिगे नहीं, अड़ग रहे और इतनी लब्धियां वो हासिल कर ले कि आज की तारीख में भी वो साध्वी जी का प्रभाव ऐसा है कि वो उसका हाथ जिसके ऊपर पड़ जावे उसका काम हो जावे, बेड़ा पार हो जावे। ध्यान की जो शक्तियां हैं, ध्यान की सिद्धियां हैं, कली का आश्चर्य है, साइंस के लिए एक प्रश्नार्थ चिन्ह है, ये भी आज की तारीख में क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप भी कर सकते, आपके जीवन के अंदर भी वो सारी की सारी उपलब्धियां आ सकती है। ऐसा नहीं कि जिसने दीक्षा ले ले, ऐसा नहीं है जिसने संसार छोड़ दिया वही ध्यान कर सके, वही मेडिटेशन कर सके, वही ये सिद्धियों को पा सके। सिद्धि को प्राप्त करना, जीवन के अंदर टॉप के ऊपर पहुंचना, मेडिटेशन के सहारे आपके पास में भी ये अपॉर्चुनिटी है, मात्र उसकी टेक्निक समझने की जरूरत है, मात्र प्रक्रिया समझने की। बहुत सारी किताबें हैं और वो भागते हैं किताबों के पीछे, वो भागते हैं नेट के ऊपर सर्च करें भाई कहां से कुछ मटेरियल मिल जाए, लेकिन एक बात समझ लेना, ये ध्यान की साधना खाली किताबों के सहारे, खाली नेट पे से वो आपको डिटेल्स मिल गए, वो सीढ़ियां आपको मिल गए, इसके सहारे नहीं होती है। जीवंत सद्गुरु चाहिए, कौन चाहिए? जीवंत सद्गुरु जब तक नहीं मिले तब तक गुरु आपको, आप कौन सी स्थिति में हो, आपको कौन से लेवल तक पहुंचाना है, आपको कहां तक पुशअप करना है, वो देखने का काम, उस मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम जीवंत सद्गुरु करता है। सद्गुरु के शरण के आए बिना मात्र किताबें पढ़ लेने से, सीढ़ियों के सारे ये ध्यान की प्रक्रियाएं नहीं हो पाती है, और शुरू भी कर दिया तो अनुभूति के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। अनुभूति के स्तर पर पहुंचना होगा तो सदगुरु के ऊपर का समर्पण भाव, सदगुरु के ऊपर का श्रद्धा भाव और सदगुरु के ऊपर का स्नेह भाव अति आवश्यक है। यहां छोटी सी बात, ध्यान करना तो है लेकिन करना कैसे? आप ध्यान के सारे दूसरों के जीवन के ऊपर आने वाली तकलीफों को भी दूर कर सकते हो। मैं जब संसारी अवस्था में था, दीक्षा नहीं हुई थी, और उस समय हीलिंग का कोर्स किया था। हीलिंग एक ऐसी थेरेपी थी कि जहां से कुदरत, मदर ऑफ नेचर, कुदरत के पास से शक्तियां लेनी और उस एटमॉस्फेयर से, उस ब्रह्मांड से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उसके ऊपर ये शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, उसके दुख दर्द दूर हो जावे। या ध्यान की दिशा के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये आपके दोनों हाथ, गुरु आशीर्वाद देते ना अपने हाथ से देते, संत के चरण के अंदर स्पर्श करते, आप अंगूठे को टच करते हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के केंद्र हैं। ये अपने शरीर चक्रों का बना हुआ शरीर है, नाभि चक्र से जो बात निकलती है लोगों के दिल को छू जाती है। या कोई बच्चा है ना, आपका बच्चा कोई ज्यादा मस्ती खोर है, हद से ज्यादा, बच्चे तो मस्ती खोर ही रहते हैं, बच्चे नहीं मस्ती करेंगे तो कौन करेगा, उसका पापा थोड़ी करने वाला है, तो बच्चे तो मस्तीखोर होना तो जरूरी है, यानी ऐसा चिंता मत करना कि मेरा बच्चा मस्तीखोर है, लेकिन हद से ज्यादा जो बच्चा मस्तीखोर रह रहे, लिमिट से ज्यादा, तो समझ लेना उसका स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, वो ओवर एक्सेस एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और इसकी चंचल वृत्तियां जो है उसकी चंचलता की वृत्तियां बढ़ती जा रही। यदि आप जो मेडिटेशन करते हो तो आपको आपके घर के मेंबर को कंट्रोल करना आ जावे, किसी के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करते हुए, किसी से दाखले दलील नहीं करते हुए, ऑटोमेटिक सामने वाले का स्वादिष्टान चक्र आपने कंट्रोल कर लिया, सामने वाला ऑटोमेटिक गुस्से में आया ना आपके सामने लड़ने के लिए आया तो भी क्या हो जावे, हाँ पानी पानी हो जावे, चुपचाप शांत हो जावे। ये सारी की सारी प्रक्रिया इस मेडिटेशन से, ध्यान से जुड़ी है। अगर ये आज्ञा चक्र है, यहां से लाइट झबकती है,
ये लाइट का प्रकाश का पुंज है, ये अग्ना चक्र को जिसको डेवलप करना आ गया वो व्यक्ति कहीं भी चला जावे, अननोन पर्सन के साथ में खड़ा रह जावे, चारों तरफ यश कीर्ति के सिद्धि और प्रसिद्धि उसके आकर के कदमों को चुमे। कई लोग कहते हैं कि इतना इतना सबके लिए करता हूं, फिर भी बोलो भाई, घर के लिए किया, बड़े भाई के लिए किया, छोटे के लिए किया, बहनों की शादी कराई, घर के लिए ये करता हूं, दुकान पर मैं काम करता हूं, लेकिन मुझे ही जस मिलता। ये आज्ञा चक्र मेडिटेशन के सारे इस आज्ञा चक्र को जिसको एक्टिव करना आ जावे उसको कभी ये बोलने की जरूर पड़े नहीं। जिसको ये सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र, ये सहस्रार चक्र जिसको एक्टिव करना आ गया, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ डायरेक्ट बातचीत कर सके, जैसे अपन दोनों अभी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, ऐसे परमात्मा के साथ स्वप्न के अंदर अपने जो भी प्रश्न रह रहे वो पूछ सके, वहां से मदर ऑफ नेचर के पास से वो उत्तर आ सके। ये सहस्रार चक्र एक इज पॉसिबल एक खोपड़ी के अंदर फिट कर दो कि ऐसा भी हो सकता है, कहा कि आज तक आपने कभी किया नहीं है इसलिए आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब करने की शुरुआत करोगे धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दुनिया मुझे की है भाई, दुनिया जिंदगी जीने जैसी है, अरे आनंद लेने जैसा है, पूरा जीवन आपका आनंद 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 से भर जाएगा। अब बात मुझे इतनी करनी है, ध्यान की बातें तो बहुत कर दी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर। आपको जब तक किसी व्यक्ति ने गुड़ खाया नहीं हो, शक्कर खाई नहीं हो, और खाली वो बुक में पढ़े कि शक्कर मीठी रहती है, गुड़ मीठा रहता है, शक्कर मीठी रहती है, दो चार दस पंद्रह पच्चीस जनों ने बोल भी है शक्कर मीठी रहती है, गुड़ मीठा रहता है, टेस्ट, लेकिन खाली सुनने से या पढ़ने से उसको पता चलता क्या करना पड़े। शक्कर के बारे में कितना भी सुना हो, गुड़ के बारे में, मिठास के बारे में कितनी भी तारीफ उसने सुनी हो, लेकिन उसको जो अनुभूति करनी है तो उस गुड़ और शक्कर को क्या करना पड़े, जीभ पर रखना पड़े, और जीभ पर रखे तो पता चले कि वास्तव में इसकी मिठास कितनी है। आइए हम भी एक 10 मिनट की एक प्रोसीजर कर देते हैं, आपको अनुभूति के स्तर पर लेके जाने के एक छोटी सी प्रक्रिया, एक मेडिटेशन, देखना आपको क्या रियलाइजेशन होता है, आपको कौन सी फीलिंग्स आती है, आपका लेवल कहां तक पहुंचा है, कैसे वाइब्रेशन आपके शरीर के ऊपर उतर रहे हैं, आपके लाइफ के अंदर कैसी कैसी अनुभूतियां हो रही है, एक छोटा सा प्रयास हम सब करेंगे। सावधान और यहां पड़ोसी को सबको भूल जाना, पास वाला क्या कर रहा है आंख काणी करके मत देखना। हाँ नहीं तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि वो के अब मैं तो कर रहा हूं ध्यान, लेकिन पास वाला कर रहा है कि नहीं तो ऐसे देखे, तो ऐसा मत करना। यहां तो जिस प्रकार से आपको गाइड करने में आवे मात्र उस प्रवाह की अंदर बहने का काम करना, बाढ़ आती है वो लकड़े को भी साथ में लेके जाती है, इंसान आ जाता है उसको भी प्रवाह में साथ में खींच के जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का यह प्रवाह अब जब शुरू होने वाला है, ध्यान के माध्यम से अपने को उस प्रवाह के अंदर डूब जाना, उसकी अनुभूति करनी है, उसको पकड़ना है, उसका रियलाइजेशन करना है। और यहां जिस प्रकार से आपको डायरेक्शन देने में आवे मात्र उसी के ऊपर फोकस करना, उसी के आधार पर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। सबसे पहले हम सुन लो, पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार विश्व मंत्र है, ओमकार चेतना मंत्र है, ओमकार अध्यात्म का मूल मंत्र है, और ओमकार का नाद से जगत की तमाम पॉजिटिव शक्तियों को, डिवाइन एनर्जियों को अपने पास में आने का इनविटेशन देंगे, आमंत्रण देंगे, और उसके साथ में अपने ध्यान की धारा शुरू हो जाएगी। सावधान, कमर सीधी, 3 बार सांस लेंगे, गहरी सांस भर लो। ओ
दूसरी बार ओ तीसरी बार ओ मानसिक कल्पना करें ब्रह्मांड में से अंतरिक्ष में से ऊपर आई हुई सिद्ध शिला में से डिवाइन एनर्जी का गोल्डन फ्लो अपने शरीर के ऊपर बारिश की तरह बरस रहा है। आंखें बंद, बारिश की तरह वो सुवर्ण किरणों का पॉजिटिव वाइब्रेशन का जो धोध है वो झरने के रूप में बारिश के रूप में अपने ऊपर बरस रहा है। हमारे शरीर का एक एक अंग उससे उस सुनहरी किरणों से उस आनंदमय किरणों से उस पॉजिटिव किरणों से हमारे शरीर का एक एक अंग ऊर्जावान हो रहा है। वो किरणों की कल्पना करनी है, बहते हुए धोध में बैठना है, पूरे का पूरा मस्तक मस्तिष्क का पूरा हिस्सा गोल्डन किरणों से भर चुका, कपाल का हिस्सा सिर का भाग ललाट आग्ना चक्र दोनों आंखें दोनों कान गाल नाक दांत जबान धीरे धीरे ऊर्जा का पूरा प्रवाह हमारी नस नस के अंदर रोम रोम के अंदर से गुजरता हुआ हमारी पीड़ाओं को दूर करता हुआ वेदनाओं को दूर करता हुआ आनंद रस का प्रवाह आगे बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते अन्न नलिका के अंदर गले के हर